हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MSXL कोर्स फ्रॉम हलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज के इस लेक्चर में हम सिंपली सेल्स के ऊपर काम करेंगे और कुछ सीरीज वगैरह जनरेट करना सीखेंगे। सबसे पहले है, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल के अंदर एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ, जस्ट लाइक हलाल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब मैंने जो सेल लिखा है, ये सेल मेरा क्योंकि लेंथ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमारा टेक्स्ट से सेल से बाहर आया, लेकिन इसकी जो पर्टिकुलर सेल की जो पोजीशन है वो यही 24 सेल की पोजीशन है। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो सेल से बाहर नहीं जाए, वो रैप टेक्स्ट हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट को आपने क्या करना है, रैप करना है। रैप टेक्स्ट आपको पता है जितनी डिज़ायर सेल की विड्थ होती है वो उसी में उसको एडजस्ट कर देता है। तो रैप टेक्स्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, सिंपली होम टैब में यहाँ ऊपर देखें रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको प्रेस कर दें। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे खुद ही ऑटोमेटिकली सेल की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर देगा, हाइट को एडजस्ट करके और आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली फिट कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, सिंपली रैप टेक्स्ट था। ठीक है, रैप टेक्स्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस है उसी स्पेस के अंदर आपके टेक्स्ट को वो फिट कर देता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम इधर सीखेंगे वो हम सीखेंगे मर्जन सेंटर के बारे में। मर्ज करना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हलाल इंस्टीट्यूट। ठीक है, हलाल इंस्टीट्यूट लिखा। अब मेरी जो सेल की विड्थ है वो दो तरीके हैं, या तो मैं सेल की विड्थ बढ़ा लूँ, लेकिन मैं सेल की विड्थ बढ़ाना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इन दो सेल्स के अंदर नज़र आए, क्योंकि फिर बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो इन सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इन सेल्स के ऊपर काम करना है और इन सेल्स के ऊपर इस वर्ड को हमने क्या एज अ हेडिंग यूज़ करना है, तो हेडिंग तो मोस्टली सेंटर के अंदर होती है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली सेल्स को कंबाइन करना है। सेल्स को कंबाइन करना बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, जिन सेल्स को कंबाइन करना है आपने उन सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मौजूद है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही आप इसको हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके दो सेल्स को, मतलब जो सेल आपने सेलेक्टेड किए होंगे उन सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देगा। ठीक है, अभी इस क्या कर दिया, क्या किया इसने, ई और एफ को मर्ज करके एक सेल बना दिया है। ठीक है, हियर यू लुक्स, अब ये क्या हो गया, आपका एक सेल हो गया। उससे पहले आपके पास ये दो सेल्स थे। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, सिंपली आपके सेल्स को कंबाइन करता है। आप कॉलम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको वर्टिकल वाइज मर्ज करवाना है तो आप इस तरीके से भी, मतलब कॉलम वाइज करवाना है तो आपने कॉलम वाइज सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब आप इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना वो आपका सेंटर में आएगा। ठीक है, बाकी तो अलाइनमेंट्स फिर आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइनमेंट में आ सकता है, आप अपने टेक्स्ट को मर्ज करवा सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास, अगर आपने इस सेल को वापस से अनमर्ज करवाना है तो आपने कहाँ जाना है, वापस से मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन में जाना है। लास्ट में देखें आपके पास अनमर्ज है, अनमर्ज करेंगे तो वापस सेल आपका क्या होगा, अनमर्ज हो जाएगा। अनमर्ज में देखें चारों सेल वापस आ गए। जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर किया था तो उसने क्या किया था, इन चार सेल को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना दिया था। ठीक है, अच्छा ये था मर्ज एंड सेंटर का। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ सेल्स को मर्ज करवाना चाह रहे होते हैं, उसे सेंटर में पोज नहीं लाना चाह रहे, तो आपने यहीं पे जाना है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपके पास मौजूद है मर्ज सेंटर। मर्ज सेल क्या करेगा, सिर्फ सेल्स को मर्ज करेगा, सेंटर में नहीं आएगा टेक्स्ट। देखिए अब टेक्स्ट की लोकेशन कहाँ आ रही है, आपकी इस साइड पर आ रही है, मतलब अब टेक्स्ट आपका सेंटर में नहीं। वो बेशक आप अलाइनमेंट से चेंज कर लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन मर्ज सेल क्या करेगा, सिंपली सेल को मर्ज करता है। और मर्ज एंड सेंटर आपका क्या करता है, मर्ज भी करता है और टेक्स्ट को सेंटर में भी करता है। ठीक है, सिंपल ये हमारा मर्ज एंड सेंटर के बारे में है। उसके बाद सीरीज जनरेट करना देख लेते हैं हम। MS Excel में हम सीरीज़ किस तरीके से जनरेट करते हैं, सीरीज़ जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 की सीरीज़ होती है, हमारे पास इवन नंबर की सीरीज़ होती है, हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखना चाह रही हूँ, तो क्या मैं इस तरीके से काउंटिंग लिखूँ, इस तरह से टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे 100 तक लिखना है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस मेथड से, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ए पर्टिकुलर सीरीज़ का एक मेथड है। किस तरीके से, आपने पहले फर्स्ट सेल में 1 लिखना है, सेकेंड सेल में आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जाहिर सी बात है 1 के बाद 2 लिखना है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद आपने सीरीज किस तरीके से सेल सेलेक्ट करनी है, आपने ऊपर से दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है,
क्या करना है, आपने इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे आना है। अभी देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, जैसे ही आप कॉर्नर पे कर्सर लाएंगे तो कर्सर की साइन चेंज हो जाएगी, ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाएगा। अब आप इस सेल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए आपको साइड में वो प्रीव्यू भी दिखा रहा है, और जैसे ही आप क्लिक को रिलीज़ करेंगे ये आपकी सीरीज़ को जनरेट कर देगा। कर दिया इसने आपकी सीरीज़ को जनरेट। इस तरीके से आप अपनी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी आप क्रिएट करवाना चाहें। ठीक है, ये क्या कि मैंने सिंपली 1, 2, 3 की सीरीज़ जनरेट करवाई। अगर आप 1, 2, 3 की नहीं करवाना चाह रहे, आप इवन नंबर्स की करवाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक 2 हो और फिर आपका 4 हो, ये इवन नंबर्स है ना आपके, आपको इवन नंबर्स की सीरीज़ जनरेट करवानी है तो आपने क्या करना होगा, फर्स्ट सेल में आपको 2 लिखना होगा, सेकेंड सेल में इवन नंबर्स, ऐसी बात है 3 तो इवन नंबर है नहीं तो आपने 4 लिखना है, और उसके बाद आपने सेम काम करना है। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉर्नर पे जाके अपने कर्सर को पॉइंट करके इसको जस्ट ड्रैग कर दे रहा है, तो देखें ये आपकी ऑटोमेटिकली इवन सीरीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी सीरीज जनरेट की है, हमने इवन सीरीज जनरेट की है। ठीक है, इस तरीके से आप इवन सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने और सीरीज को जनरेट करना है तो वो कौन सी सीरीज होती है आपकी, 1, 3, 5 होती है, तो आपने 1 लिखेंगे इस फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में आपने 3 लिखना है। अब सीरीज किस तरीके से जनरेट करवाएंगे, आप दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और आपने इसको जस्ट ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये आपकी क्या करेगा, ऑड सीरीज को बना देगा। ये आपकी कौन सी सीरीज है, ये आपकी ऑड सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी कस्टमाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लाइक आपको 1 से नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं कि 5 हो और उसके बाद आपका जैसे 5-5 का गैप हो। ठीक है, हर आपकी सीरीज़ में 5-5 का गैप हो, मतलब सेकंड वैल्यू आपकी 10 हो, तो मतलब आपने गैप रखना है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सेल में 5 देना होगा, सेकंड सेल में 10, 5 के गैप से चाहिए ना आपको, तो आप 5 के गैप से सेकंड वैल्यू लिखेंगे, फिर आपने दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। अब जो सीरीज जनरेट होगी वो 5 के गैप से जनरेट होगी। ठीक है, आपने गैप को खुद से देखना है कि आपको कितना गैप चाहिए। अब देखिए जो सीरीज जनरेट हुई है वो आपकी 5, 10, 15, 20 इस तरीके से सीरीज जनरेट हुई है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से गैप से कर सकते हैं। सेकंड, आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं सीरीज में, आपको बैकवर्ड चाहिए तो जैसे 10, 9 होता है। ठीक है, बैकवर्ड करना है तो आपने पहले 10 लिखना है, फिर 9 लिखना है, और सेलेक्ट करने के बाद वही आपने ड्रैग करना है, तो ये काउंटिंग आपकी क्या जाएगी, बैकवर्ड सीरीज जनरेट होगी। सेम वही मेथड है, आपने इवन में बैकवर्ड जनरेट करना है तो आपको पहले 16 लिखेंगे, फिर 14 लिख के जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपकी बैकवर्ड हो जाएगी। इसी तरह ऑड में आप 15 और 13 लिखेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपकी बैकवर्ड काउंटिंग जनरेट हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज़ को जनरेट करवा देते हैं। डिफरेंट काइंड की सीरीज़ होती हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से जो भी सीरीज़ जनरेट करवाना चाहें। एक चीज़ और होती है हमारी फिल डाउन, वो क्या करता है, एक तो कॉपी मेथड का तरीका होता है कि एक सेल से हमने वैल्यूज को कॉपी की और दूसरे सेल में पेस्ट कर दी, लेकिन बाज़ दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल के अंदर लिख दिया, इस सेल के अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, इस सेल के अंदर मैंने 1 लिख लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो 1 जो है वो मेरे पास इस बाकी सेल्स के अंदर भी आ जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, इस 1 के साथ सेलेक्ट करना है अपनी डिज़ायर रेंज, जिस रेंज में आपको चाहिए, मैं चाह रही हूँ इस रेंज के अंदर मुझे सब जगह 1-1 नज़र आ जाए, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। ठीक है, क्या प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द फिल डाउन। फिल डाउन क्या करेगा आपका, मतलब जो वैल्यू आपके फर्स्ट सेल के अंदर होगी और जो आप जितनी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर आपकी फर्स्ट वैल्यू पेस्ट कर देगा, फिल कर देगा ये। ठीक है, आप फिल राइट भी करवा सकते हैं, फिल राइट यहाँ नीचे कर लेते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखें, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, एप्पल मैंने लिख दिया, मैं चाह रही हूँ कि एप्पल मुझे इस साइड पे भी नज़र आए। ठीक है, सर सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस तरफ नज़र आए, मतलब राइट साइड पर नज़र आए, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर इज़ दी शॉर्टकट की ऑफ फिल राइट। ये क्या करेगा, कंट्रोल आर आपके राइट साइड पर फिल कर देगा। ठीक है, ये किससे किया हमने, कंट्रोल प्लस आर से। कंट्रोल प्लस आर क्या करेगा आपका, फिल राइट। ठीक है, और ये किसकी शॉर्टकट की थी हमारी, फिल डाउन। डाउनवर्ड आपने फिल करवाना है तो आपने कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करके, रेंज को सिलेक्ट करके आपने फिल डाउन करना है, और कंट्रोल आर करेंगे तो आपका राइट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, आप कंट्रोल आप लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने 6 लिखा और आपको इस साइड पे मतलब वैल्यूज़ फिलअप करवानी है, तो आपने क्या करना है, सिंपली
सेल को सिलेक्ट करना है और रेंज ले लेनी है जितनी रेंज में आपको वैल्यू चाहिए। देन आप कंट्रोल सॉरी आपने वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओके एक मिनट रेंज सेलेक्टेड हो गई, फिल करना है ना आपने वैल्यू को। आपने वैल्यू को फिल करने के बाद इसको कंट्रोल सी, एक सेकेंड, यहाँ से रिमूव कर लें इन वैल्यूज़ को, ठीक है ओके। दोबारा कर लेते हैं, मुझे से हैंग हो गया था। सिक्स करके आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें, अच्छा ऑप्शन के थ्रू करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे फिल का ऑप्शन देखिए ऊपर टॉप पे मौजूद है, फिल लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये क्या करेगा आपका लेफ्ट साइड पे फिल कर देगा। कर दिया इसने लेफ्ट साइड पे फिल। इसी तरह आप वैल्यू को राइट साइड पे भी करवा सकती हैं। राइट साइड पे करवाने के लिए जाहिर सी बात है हमें राइट साइड की तरफ सिलेक्शन करनी होगी और ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास फिल राइट का, आप यहाँ से राइट साइड पे भी करवा सकते हैं। वही फिल डाउन का भी मौजूद है, राइट का भी है, अप का भी है, लेफ्ट का भी है, तो मतलब आप सीरीज़ को यहाँ से फिल डाउन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सीरीज़ का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। सीरीज़ में जाएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने सीरीज़ कहाँ बनानी है, रोज़ में बनानी है, कॉलम्स में बनानी है, किस सूरत में बनानी है, लीनियर बनानी है, टाइप क्या हो उसकी, ठीक है यहाँ से आप टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टेप वैल्यू क्या है, मतलब कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट करनी है और सेकेंड वैल्यू आपकी मतलब स्टॉप वैल्यू, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर थोड़े से नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर जैसे फर्स्ट वैल्यू, ठीक है इस सेल को सिलेक्ट कर लें, रेंज को भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर ली, बल्कि एक काम करते हैं डाउनवर्ड आ जाते हैं, ठीक है अब यहाँ पे आए आप फिल में जाके सीरीज पे आए। स्टेप वैल्यू मतलब कहाँ से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, हम सिक्स तक ले लेते हैं। और जैसे ही आप ओके का बटन हिट करेंगे तो ये आपकी सीरीज जनरेट नहीं हुई। दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। ओके वन सीरीज में जाएं, यहाँ से सीरीज में जाने के बाद आपने स्टेप वैल्यू देनी है और देन स्टॉप वैल्यू आपकी हो जाएगी फाइव ले लेते हैं, ठीक है ओके का बटन हिट करें, ये आपकी वैल्यू जनरेट होगी। फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पर राइट करनी होगी, देन ये आपका इस तरीके से सीरीज क्रिएट कर देगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने रैप टैक्स के बारे में देखा कि हम टैक्स को रैप किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ये हमारा क्या था रैप टैक्स की एग्जाम्पल थी, इसको फिल डाउन फिल कर लेते हैं। रैप टैक्स देखा हमने, उसके बाद हमने क्या देखा मर्ज एंड सेंटर करने देखा कि हम टैक्स को मर्ज किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद हमने सीरीज़ को जनरेट करना देखा कि हमने किस तरीके से सीरीज जनरेट करी, हमारे पास सीरीज़ की एग्जांपल्स थी। उसके बाद हमने फिल डाउन फिल राइट और फिल लेफ्ट वगैरह को जस्ट करके देखा और ऑप्शन के थ्रू भी हमने सीरीज़ को फिलअप किया, ठीक है सिंपल वे है सीरीज क्रिएट करने का, मर्ज एंड सेंटर करने का। सो डैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।